तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन। सो अपने पास इंटीग्रल है यहाँ पर एक्स टाइम्स, अपन को एल एन में ये पूरी चीज दे रखी है। सो यहाँ पर लिमिट तुम देखोगे तो माइनस एल एन टू से एल एन टू है, तो मैं क्या यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ, यू इज इक्वल टू माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। सो डी यू इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स हो जाएगा। इस इंटीग्रल को आई के इक्वल लिख देता है। सो यहाँ पर जो अपनी लिमिट है आपके पास एल एन टू से माइनस एल एन टू चली जाएगी। इंटीग्रल को यहाँ पर अपने आई के इक्वल लिखा हुआ है, एक्स की जगह मेरे पास, सॉरी एक्स की जगह मेरे पास यहाँ पर माइनस का यू आ जाएगा, एंड एल एन में यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1 e^-u + e^-2u +10 e^-3u। यहाँ पे ध्यान रखना है पर 10 टाइम्स दे रखा है, +e^-4u + e^-5u + e^-6u, एंड डी एक्स की जगह माइनस का डी यू आ जाएगा। और अब अपन क्या करेंगे, एक माइनस साइन को यूज करके इस लिमिट को अगेन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस एल एन टू से एल एन टू हो जाएगी एंड यू। और यहाँ पे मैं इस पूरे में से e^-6u अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, e^-6u + e^-5u + e^-4u + 10 times e^-3u + e^-2u + e^-1, एंड यहाँ पर अपने पास बचा है माइनस का डी यू। सो अब अपन क्या करेंगे, इस माइनस साइन को अगर मैं यहाँ पे बाहर ले लूँ तो माइनस साइन को तो बाहर ले लिया, ये माइनस एल एन टू से एल एन टू हो गया। और यहाँ पे तुम इसके दो पार्ट कर सकते हो, एल एन ऑफ e^-6u एंड प्लस एल एन ऑफ ये पूरी चीज, e^-6u + e^-5u + e^-4u + 10 times e^-3u + e^-2u + e^-1 एंड डी। सो अब अपने पास से दो इंटीग्रल हो गई। इस इंटीग्रल को तुम देखोगे यू टाइम्स दिस इंटीग्रल, सो वो तो सिंपली अपने पास आई के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो माइनस आई हो जाएगा। एंड प्लस जब यहाँ पर ये एल एन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस का 6u बाहर आ जाएगा। सो ये बेसिकली यू टाइम्स 6u हो जाएगा, एंड एल एन ई की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे डी यू रह जाएगा, एल एन ई की वैल्यू 1 होगी तो सिंपली, और यहाँ पे माइनस एल एन टू से एल एन टू रह जाएगा सिंपली, इसको इधर ले आएंगे सो 2i हो जाएगा ये। एंड इधर अपने पास माइनस एल एन टू से एल एन टू, यहाँ पर ये 6u² du आ गया, जो कि अपना सिंपली 6 times u³/3 हो जाएगा माइनस एल एन टू से एल एन टू, तो ये 2 times u³ हो गया माइनस एल एन टू से एल एन टू। और सिंपली अगर अपन देखें तो ये 2i के इक्वल हो जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो i इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ln2 का क्यूब माइनस ऑफ ln2 का क्यूब, जो कि अपने पास 2 times ln2 का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते, तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।